हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो खुद जिंदा है और लोगों को जिंदगियां देता है, खुद खाता नहीं है अपने बंदों को खिलाता है, उसकी शान क्या है? देखो उसकी शान अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वक्त इसी पे खत्म हो जाए, चंद चीजें इशारतन बताता हूं। एक कुआं जिसे जमजम का कुआं कहते हैं, आज से 4000 साल पहले ये खुद से निकला, आज भी उसकी गहराई कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन करोड़ों लीटर पानी हर हफ्ता उससे निकलता है। कितने कुएं उसके बाद खोदे गए और सूख गए, आज तक वो कुआं कभी सूखा नहीं। अल्लाह की कुदरत देखो, हमारे मजहब की हक्कानियत, इस्लाम की हक्कानियत देखो। इसी तरह बेशुमार मौजजात है जो आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और निगाहों से देख सकते हैं। इस्लाम कितना हसीन तरीन और हक्कानियत वाला मजहब है कि लोग चांद पर गए और चांद पे जाने के बाद बड़े खुश हुए कि हम चांद पर आ गए, और हमने जो वो चांद पे आने के बाद बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन जब वो चांद पर पहुंचे तो चांद पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि ये चांद कभी तोड़ा गया था, ये चांद कभी तोड़ा गया था और तोड़ने के बाद कभी जोड़ा भी गया था। जैसे आईना टूट कर जोड़ा जाए तो उसमें से एक हल्का सा निशान होता है, ऐसे उन्होंने वहां महसूस किया। तो उन्होंने तहकीक की कि इतना बड़ा चांद जो जमीन से बहुत बड़ा है तो उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, और तोड़ लिया गया तो फिर जोड़ा कैसे जा सकता है। जब उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि हाँ हाँ, आज से कुछ सदियां पहले एक ऐसा अल्लाह का बरगजीदा बंदा था जिसने मीना की वादी में या जबल अबू कुबैस पे खड़े रहकर इशारा करके ही दो टुकड़े किया था। और तोड़ना तो सबको आता है, लेकिन उन्होंने जोड़ भी दिया था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तोड़ा भी था और जोड़ा भी था। कुर्बान जाएं, जब उनके उंगली के इशारे की शान ये है उंगली के, तो उनके पंजों की शान क्या होगी? और जब उनके पंजों की शान आप अंदाजा नहीं कर सकते तो उनकी कलाई की शान क्या होगी? ये जो मैं इशारा कर रहा हूं, ये मेरे गुनहगार हाथ उन हाथों के बराबर नहीं है, बस मैं समझाने के लिए। तो उनकी कलाई की शान क्या होगी? और जब उनकी कलाई की शान बेमिसाल है तो उनके बाजुओं की कुव्वत क्या होगी? और जब उनका बाजू बेमिसाल है तो उनके सीने का आलम क्या होगा? और उनके वजूद नास का आलम क्या होगा? और जब ऐसे वजूद वाले मोहम्मद की ये शान है तो मोहम्मद अरबी को बनाने वाला जो खुदा है उसकी शान का आलम क्या होगा? उस खुदा की कुव्वत क्या होगी? हम तो उस अनदेखे खुदा को हुजूर के जरिए से मानते हैं कि जब ये ऐसे हैं तो वो कैसा होगा।